गुजरात में आने वाले 6 से 7 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। एक तरफ श्री खोडल धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश पटेल को हर पार्टी अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी तरफ पाटीदार नेता हार्दिक पटेल अपनी ही पार्टी से नाराज है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि हार्दिक पटेल पार्टी को छोड़ सकते हैं। हाल ही में आए हार्दिक के एक बयान ने गुजरात का राजनीतिक पारा और बढ़ा दिया है। इसी बीच आपके गुजरात प्रमुख ने हार्दिक पटेल को अपनी पार्टी में आने का न्योता दे दिया है। हार्दिक के एक बयान पर काफी बवाल भी हो रहा है। दरअसल एक इंटरव्यू में हार्दिक पटेल ने कहा कि गुजरात कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि मैं पार्टी छोड़ दूं। 2017 में पाटीदारों ने कांग्रेस को वोट दिया था, अब कांग्रेस उनका अपमान कर रही है। उन्होंने खुद को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें राज्य कांग्रेस की किसी बैठक में नहीं बुलाया जाता, किसी भी निर्णय में उनसे सलाह नहीं ली जाती है। 2017 में पाटीदारों का वोट लेने के लिए कांग्रेस ने मेरा इस्तेमाल किया, 2022 में उनका वोट लेने के लिए आप नरेश पटेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, 2027 में आप किसी और पाटीदार नेता का इस्तेमाल करेंगे। आपने क्यों मेरा समर्थन नहीं किया और मुझे मजबूत क्यों नहीं किया गया? हार्दिक ने कहा कि कांग्रेस बिल्कुल नरेश भाई को पार्टी में शामिल करे, लेकिन क्या उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा जैसा मेरे साथ हुआ है? हार्दिक पटेल ने यह भी कहा कि पार्टी में मेरी स्थिति उस नए दूल्हे की तरह है जिसकी शादी होते ही नसबंदी कर दी गई है। हार्दिक के बयान पर कांग्रेस ने अपना रुख जताया। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा है कि इस मामले में पार्टी के नेताओं ने हार्दिक पटेल से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हमने मीडिया में दिया हार्दिक का बयान देखा है, हम उन्हें पार्टी ऑफिस बुलाकर पूरे मामले में बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है, इसके बाद ही पार्टी इस मामले में कुछ कहने की स्थिति में होगी। ये पाटीदारों का अपमान करने का हार्दिक का जो आरोप है ये बड़ा गंभीर है। इस पर ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस ने ना तो कभी पाटीदारों का अपमान किया, ना ही नरेश पटेल का। हमने खुले तौर पर ये कहा है कि वो कांग्रेस में आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि नरेश पटेल को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। जहाँ तक अब आपको ये भी बता दें कि नरेश पटेल बड़े नेता हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस पूरे सियासी घमासान के बीच में, आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपनी ज़मीन को तैयार कर रही है। पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, उस तरीके से गुजरात में उसे बहुत संभावनाएं दिख रही हैं। और अब ये आम आदमी पार्टी वो नहीं है जो सिर्फ दिल्ली तक सिमटी हुई है। आम आदमी पार्टी बड़ा खेल करने जा रही है गुजरात में, छोटे से छोटे काडर लेवल पर हो या बड़े बड़े नेताओं को अपने साथ शामिल करना हो। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कई पुराने या बीजेपी से नाराज नेता या कांग्रेस के बड़े नेता भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और इसी तरह से एक नई पार्टी अस्तित्व में आती है किसी भी राज्य में। जैसे तृणमूल कांग्रेस ने धीरे धीरे खुद को पश्चिम बंगाल में मजबूत किया, आम आदमी पार्टी ने खुद को पंजाब में बहुत मजबूत किया, पहले दिल्ली में फिर पंजाब में, और अब गुजरात है उनका अगला लक्ष्य और यहाँ पर बड़ा खेल करने जा रही है आम आदमी पार्टी। बहुत मुमकिन है पाटीदार समाज के नेताओं को या पाटीदार समाज को भी अपने साथ में जोड़े और जितने भी लोग कांग्रेस से नाराज हैं उन्हें भी आम आदमी पार्टी अपने साथ जोड़े, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ी और मजबूत पार्टी अब गुजरात में दिखाई देती है तो वो कांग्रेस नहीं आम आदमी पार्टी मानी जा रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने हर जगह कांग्रेस के वोट बैंक को अपना वोट बैंक बनाया है, ऐसा लगता है गुजरात में भी यही खेल होने जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com, डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।